हम लोग आज डी मार्ट गए थे। हुआ ये कि छुट्टी का दिन था, 15 अगस्त था, तो हम लोग सोचे कि आज अकेले आते हैं क्योंकि फिर दूसरे दिन से तो ऑफिस हो जाएगा हस्बैंड का, तो जा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम लोग ये 15 अगस्त को ऑफिस से आए। उसके बाद हम लोग 12 बजे के बाद चले गए थे, ये सोच के ही 12 बजे के बाद निकले कि अभी लंच का टाइम वगैरह रहेगा तो लोग उतना रश नहीं रहेगा। लेकिन हुआ ये कि छुट्टी का दिन था तो इस कदर रश था कि मतलब पूरे टाइम ही ये था कि 3 दिन छुट्टी थी, तो इस वजह से लोग काफ़ी खरीदी करने के लिए निकल गए थे। और लोग बारिश भी हो रही थी लेकिन फिर भी रश तो था ही था। चलिए फिर उसी में फिर भी ये था कि शाम को जाते तो काफ़ी रश रहता। ये था कि दिन में कि थोड़ा कम था उस हिसाब से, कि शाम के हिसाब से दिन में कम था, तो बस हम लोग ने थोड़ा बहुत जो भी सामान नहीं था वो ही लेके आए। होता ही है कि कभी कोई सामान होता है, कभी कोई चीज़ नहीं होती, जो होती है तो उसको फिर नहीं लेते। तो बस हम लोग ने ये सामान लिया, जैसे ये बर्तन धोने का साबुन तो लगता ही है हमेशा, अभी नहाने का साबुन सब रखे हुए थे इस वजह से नहाने वाले साबुन नहीं लिया। ये हार्पिक लिया, ये फिनाइल लिया, और ये वाइपर था, थोड़ा सा किचन का ख़राब हो गया था तो वो ले लिया। ये वो वाला पापड़ है, उड़द का पापड़ काफ़ी अच्छा होता है, और ये चना है, और ये कस्तूरी मेथी जो हमें बहुत यूज़ होती है, हम हर चीज़ में हम कस्तूरी मेथी डालते हैं। ये खड़ी लाल मिर्च दाल बघारने में ज़्यादा काम आती है, और ये नमक है, ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, और ये डेटॉल हैंड वॉश, और ये धनिया, ये तेल, और ये बच्चों का है वेफर, ये चॉकलेट, ये ज़ीरा, और ये गुड्डे है, और ये नारियल तेल, कॉफ़ी की शीशी जो काफ़ी लगती है हम लोग को, ये स्विस रोल है, और ये है डेरी मिल्क की चॉकलेट, ये स्पंज, और ये टोस्ट, ये मूंगफली का जो लगा हुआ होता है वो है, ये खट्टा मीठा मिक्सचर, और ये बोन बोन, और ये केक है हाइड एंड सीक, और ये है अमूल कूल का है, 3-4 रख लिया, ये फ्रिज में रख देते हैं। और इस तरह से ये तो दाल है, अरहर दाल है, और भी दालें जो सब थी तो वो रखी हुई थी इसलिए नहीं लिया। और ये एरियल का वॉशिंग मशीन, और इस तरह से ये आटा है, ये चावल है, बस बाकी थोड़ा बहुत सामान लेके आए। और ये देखिए दूसरे दिन का है, सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, और हम सोफ़े के कवर जो कुशन है वो धोने के लिए निकाल रहे हैं। हुआ ये था कि काफ़ी दिन हो जा रहे थे, बिल्कुल सोचते थे कि धोने निकालेंगे लेकिन हो नहीं पाता था, दिमाग से निकल जाता था फिर बाद में फिर रह ही जाता था, तो फिर इस तरह से तो लेकिन आज बिल्कुल याद से सोच के रखा था कि आज इसको सफाई करेंगे, धोने के लिए डालेंगे, तो बस वही निकाल रहे हैं। और इस तरह से चल रही है मॉर्निंग रूटीन, और बस समेट रहे हैं, सब काम तो हो चुका था, बाई काम करके जा चुकी थी, झाड़ू पोछा बर्तन, बस थोड़ा खाना बनाना था तो वही बना रहे हैं। और इसके बाद में देखिए ये जो सारा समेट के रख रहे हैं, और ये कल रात को जो कल कपड़ा लिया होगा पहना था तो वही समेट के उठा के रख रहे हैं, ले जाके जगह जगह पर जो सब समेट दो अच्छे से तो अच्छा लगता है, नहीं तो वरना पूरा फैला पड़ा रह जाता है। और आज खाने में बन रहा है काटवल, और जो करेले की तरह होता है, अब आप लोग क्या बोलते हैं इसे पता नहीं, इस सब्ज़ी को 2-3 नाम दिया जाता है, तो बस वही काट रहे हैं, और काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि करेले की तरह होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, छोटा छोटा रहता है। और करेला तो ये होता है कि कड़वा भी लगता है, आप कितने भी अच्छे तरीके से बनाओ थोड़ा कड़वापन रहता है, लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं रहता, तो हम लोग इसलिए करेले से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं खाना, तो बस वही काट के रख रहे हैं, और टीवी भी देखते जा रहे हैं क्योंकि फिर अकेले ऐसे ही काट के बोर हो जाता है, तो बस टीवी चला लिए हैं, टीवी देखते जा रहे हैं और सब्ज़ी काटते जा रहे हैं। फिर उसके बाद किचन में जाएंगे तो दाल सब्ज़ी और सब चीज़ें बनाना है, तो बस देखिए अब किचन में जा रहे हैं।
और यहाँ दूध उबल रहा है और साइड में दाल चढ़ा दिया है और कढ़ाई चढ़ा दिया है, तो साथ में सब्जी भी बनते जाएगी और इधर दाल गल जाएगी। उसके बाद में ये साइड में प्याज काट के रख लिया था पहले ही, और अब तेल गरम हुआ, इसको प्याज को डाल देंगे। वैसे हमने इसका वीडियो नहीं बनाया सब्ज़ी का, क्योंकि वही चीज़ें हो जाती है तो फिर काफ़ी टाइम बहुत लंबी हो जाती है वीडियो, इस वजह से नहीं बनाया। और उसके बाद में ये कल कपड़े जो धुले थे वो रखे हुए थे, और जिस दिन कपड़ा धुलता उसी दिन तो तहाया नहीं जाता, वो उठा के रख दिया जाता है, फिर तहाएँगे कहकर, लेकिन वो रात में नहीं तहा जाता। यही है सुबह का टाइम जब सारी चीज़ें समेटते हैं, रखते हैं अपनी जगह में, घर को सफाई करते हैं, तो बस वही टाइम कपड़े की याद आती है कि हाँ आप कपड़ा, तब लगता है कि यार इसको कल रात को बैठे थे तभी तहा लिए होते तो आज अभी ये टाइम बच जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा यही होता है। और देखिए हमारे, हम जो कपड़ा है ये हस्बैंड और हम दोनों का है, क्योंकि बच्चे है नहीं, बाहर में है, तो हम दोनों के कपड़े निकलते हैं, और हाँ ज़्यादातर तो हमारे ही कपड़ा निकलता है, क्योंकि जेंट्स लोग थोड़ा कम एक दो दिन में निकालते हैं, और अपना लेडीज़ का ऐसा होता है कि डेली निकलता है। और हम ज़्यादातर गाउन पहनते हैं, क्योंकि गाउन हमें बहुत कम्फर्टेबल लगता है, और होता ही है ना कि, और वो भी ये है कि जितना पुराना गाउन हो या जितना पुराना सूट हो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस कहीं बाहर से भी आएंगे तो ऐसा लगता है जल्दी से वो कपड़े को अलग करें और अपना पुराना कपड़ा पहन लें, तो बस इसी तरह से चलता रहता है। और तहा रहे हैं कपड़ा, और बस तहाने के बाद में हो जाएगा हमारा काम भी ख़त्म। अब हम फिर, खाना तो बन चुका है, और पूरा रूटीन की वीडियो बनाए तो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए ऐसा बना ही नहीं सकते कि आप पूरा डे, पूरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन बताएं या दिन तक का बताएं, उस बीच बहुत से काम होते हैं कि जो कुछ थोड़ा दिखा पाते हैं और थोड़े नहीं दिखा पाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल के साथ करें कि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बढ़िया, नीचे कौन सा पैंट पहने, लेकिन नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा।